से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जिनका फर्स्ट डे था, आज उनका सेकंड डे है और बढ़िया क्या रिस्पांस मिल रहा है, होप कि बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में देखिए पूरा और इससे कुछ सीखिए और ऑन द रोड आज प्रैक्टिस करा रही हूँ, बिकॉज यहाँ बरसात के मौसम पर पूरे फील्ड कीचड़ से जाकर भरे हुए हैं, तो रोड में ही प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए विद इन वन आवर क्या रिस्पॉन्स रहता है और कितना इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जो सेकंड डे में मैं प्रैक्टिस कराती हूँ कुछ इस प्रकार से कराती हूँ। देखिए मैं स्कूटी के पीछे पीछे चल रही हूँ और वो केवल एक्सलेटर और ब्रेक, दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, एक्सलेटर और ब्रेक। आराम से बढ़ाएंगे, कम करेंगे, फिर ब्रेक दबा लेंगे। स्पीड बढ़ाएंगे, एक्सलेटर को अपनी ओर आराम से घुमाया, फिर कम किया, फिर ब्रेक दबाया। और ये स्कूटी जा रही है जो फ्रेंड्स, ये भी हमारे ही सिखाए वाले हैं, देख सकते हैं आज बढ़िया राइडर बन चुके हैं। तो दोस्तों देखिए आराम आराम से बढ़ाइए, कम करिए, फिर ब्रेक दबाइए। आराम से इसी प्रकार से टर्न कर लेंगे, आराम आराम से टर्न कर लिया दोस्तों। टर्न करते टाइम दोस्तों मैं सपोर्ट करूँगी जिससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो। टर्न करते टाइम स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, तो स्टीयरिंग को पूरा टर्न कर लीजिए और आराम से एक्सलेटर बढ़ाइए और कम करिए, आराम से बढ़ाइए और कम करिए। इस टाइप से प्रॉपरली परफेक्टली टर्न हो गई है। फिर और सेम वो ही प्रैक्टिस देखिए, अभी टर्न खुद से अपने दम पे कर लेंगे। देखिए दोस्तों टर्न करना स्टार्ट करने से पहले आप आगे पीछे अच्छे से देख लोगे कि कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही। गाड़ियाँ आ रही हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, गाड़ियों को निकलने दो, उसके बाद स्टीयरिंग को बढ़िया तरीके से टर्न कर लिया दोस्तों, बढ़िया तरीके से टर्न कर लिया। तो दोस्तों लगभग दो राउंड में ही हल्का सा स्कूटी कंट्रोल करने लगी है। आई होप कि विद इन वन आवर बैलेंस बन ही जाए। कल संडे था तो इनको काफ़ी दूर से आना था तो ये आ नहीं पाई। जब भी आपको टर्निंग के टाइम पे दिक्कत हो हमेशा ध्यान रखिए स्टीयरिंग को पूरा टर्न करके आराम से बढ़ाने का है, फिर कम करने का, और ब्रेक पे फिंगर्स रहेंगे। आराम से बढ़ाइए, कम करिए, बढ़ाइए, कम करिए, तो इस प्रकार से आप परफेक्टली टर्न कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं बैलेंसिंग के लिए प्रैक्टिस कर रही है। ऑन द रोड प्रैक्टिस का फर्स्ट डे है, वैसे स्कूटी सीखने का दूसरा दिन है और बैलेंस अभी तक नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों कोशिश करते रहने से कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं यार, थोड़ी देर में बैलेंस बन ही जाएगा। रेगुलरिटी रखिए, रेगुलर रहिए स्कूटी राइडिंग में, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे राइडर बन जाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और रेगुलरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं बढ़िया तरीके से टर्न करके सीधा सीधा जाएंगी,
जब दिक्कत होता है तो स्पीड को कम कर लेने का, अदरवाइज सीधे सीधे चलने का। ये गई स्कूटी गोबर में, कोई बात नहीं। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस करिए, देखिए पाँव जमीन में रखे, कोई किसी से शर्माने का नहीं, किसी से डरने का नहीं। लेफ्ट साइड रखिए, बशर्ते कि टर्न करते टाइम आगे पीछे अच्छे से देख लीजिए। देखें थोड़ा सा कैमरा शेक हो रहा है मेरा, तो जो मिस्टेक्स हैं उनको प्लीज़ अवॉइड करिए कि ये दिक्कत हो रही है। और पॉजिटिविटी लीजिए, जो भी आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है उसको सीखिए। स्कूटी सीखने में फ्रेंड्स टाइम ज़्यादा लगे तो टेंशन नहीं लीजिएगा कभी भी। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बिल्कुल सोचने का नहीं उसमें, बशर्ते कि ध्यान रखिए कि आप सेफ्टी के साथ चलाइए। देखिए पीछे को गाड़ी ले ली क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही थी। मुझे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए सीखते सीखते, बट मेरा बैलेंस नहीं बन पाया। हमेशा यही दिक्कत रहता है। और मैक्सिमम लेडीज़ सीखती हैं तो लेडीज़ का वैसे भी माइंड बहुत जगह डाइवर्ट रहता है। अगर सोचिए मैं एक लेडी हूँ और मैं स्कूटी सीख रही हूँ, तो बाय द वे मैं स्कूटी से सीखते टाइम गिर जाऊँ और मेरा हाथ या पांव फ्रैक्चर हो जाता है या मुझे चोट आ जाती है, तो केवल मुझे ही प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचिए आप, ध्यान से सुनिए, हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरे बच्चे से लेके फैमिली, हस्बैंड, सास ससुर, सबका, पेरेंट्स, सबका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सभी महिला दोस्तों से, अपनी महिला मित्रों से कहना चाहूँगी, अपनी बहनों से कहना चाहूँगी मैं, आराम से सेफ्टी के साथ, टाइम ज़्यादा लगे लगाओ कोई बात नहीं, बट अपने कल से आज का इम्प्रूवमेंट देखिएगा। कभी ये मत सोचिए कि मुझे जल्दी राइडर बनना है और खूब स्पीड बढ़ा के करूँ, नहीं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। देखिए गाड़ी तिरछी होने वाली थी और अपोजिट साइड घुमा के पीछे को करिए, थोड़ा सा टर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत ईजीली टर्न कर रही है। देखिए पहले लेफ्ट को घुमाकर पीछे को किया, अभी राइट को पूरा स्टीयरिंग टर्न करके बढ़िया तरीके से टर्न कर लिया, सीधे आगे जाएंगे। देखिए हल्का सा नज़र, देखिए पैर हवा में जाने लगे हैं, और नज़र आगे रखिएगा, थोड़ा नज़र आगे नहीं रख रही हैं ये, देखिए पैर हवा में जा रहे हैं। और फ्रेंड्स कोशिश करते रहिएगा, बार बार एक ही बात कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो कोशिश करते रहने से परफेक्टनेस खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगी, बहुत अच्छी राइडर बन जाओगे। देखिए ओवर स्पीड हो रही है, ओवर स्पीड मत करिएगा, सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों टारगेट है सिल्वर प्ले बटन का, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फनी वाली वीडियोज़ एंड प्रैंक्स एंड ब्लॉग्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।